Using postulates of Bohr's theory of hydrogen atom, show that the radii of orbits increase as n square. मतलब directly proportional proof करना है n square की होती है radius. Second part में the total energy of the electron increases as 1 upon n square. N square के inversely proportional proof करना है, where n is principal quantum number. तो hydrogen atom में nucleus के around electron circular path पर revolve करते हैं. ये suppose electron और ये circular path पर revolve कर रहा है. Suppose इसकी speed कितनी है v और रेडियस कितनी है r. ओके, यहां पर सपोज हाइड्रोजन एटम लिया तो चार्ज कितना प्लस ई, अगर कोई और एटम लेंगे तो चार्ज हो जाएगा प्लस जेड ई, वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर के इक्वल. अब यहां पर जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है. सो एम वी स्क्वायर बाई आर is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into E, E electron का charge upon R square. Force कैसा? Attractive. Minus sign है, charge का electron के, तो attractive force. So, यहां से R cancel, so MV square is equal to E square upon 4 pi epsilon naught R. या R को इस side में ले जाओ, so mv square r equal to e square upon 4 pi epsilon naught. ये equation हम suppose consider कर लेते हैं 1. अब second equation quantization of angular momentum. Quantization of angular momentum. mvr is equal to nh upon 2 pi. Where n is principal quantum number. इसका स्क्वायर करके दोनों को डिवाइड कर देंगे, सो r कैलकुलेट हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर से एनर्जी आ जाएगी और r की वैल्यू पुट करके पोटेंशियल एनर्जी. सो हमें पहले वाले में रेडियस फाइंड भी करनी है, सो v स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर और डिवाइड कर दो सेकंड से, कैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, v की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख देंगे. सो एम वी स्क्वायर आर और डिनोमिनेटर में एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर, ये e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये n स्क्वायर h स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर यहां पर न्यूमरेटर में चला जाएगा, m से m कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर, r से r, तो यहां बचेगा 1 अपॉन mr इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल 4 से 4, सो पाई e स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर और n स्क्वायर. सो रेडियस कम्स आउट टू बी m इधर ये इधर, n स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर. यहां से तो चेक कर लो, ये तो कांस्टेंट है, सो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल, n स्क्वायर की. ये तो है फर्स्ट पार्ट, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. सेकंड पार्ट में टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, सो टोटल एनर्जी के लिए k प्लस u, पहले k फाइंड कर लेते हैं, हाफ m v स्क्वायर. यहां से देखो एम वी स्क्वायर किसके इक्वल, e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, सो 1 बाय 2 e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. ये r की वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे बाद में. और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन r, k दैट मींस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 प्लस e, q2 माइनस e और दोनों के बीच का सेपरेशन r. तो ये वैल्यू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. सो टोटल एनर्जी के प्लस यू, के की वैल्यू ये रही, हाफ ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कॉमन ले लेंगे, सो क्या बचेगा, हाफ माइनस 1 ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 1 बाय 2 माइनस 1 माइनस हाफ, सो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 और हाफ, तो ये हो जाएगा 8, 4 इंटू 2, सो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये है टोटल एनर्जी. अब आर की वैल्यू पुट कर देंगे वहां पर, या आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, आर एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो नीचे एन स्क्वायर आ जाएगा, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन स्क्वायर के, बट वैल्यू पुट कर दो यहां से, यहां पर ई is equal to minus e square upon 8 pi epsilon naught और r की वैल्यू ये रही,
एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट है, तो एक लाइन ओवर एड कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल, एम ई टू दी पावर फोर अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये बचेगा वन अपॉन एन स्क्वायर, सो ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एन स्क्वायर, यही प्रूफ करना था।